राधा स्वामी। आज आप मानवता मंदिर में एक संत पुरुष के जन्मदिन, दूसरे शब्दों में कहूंगा प्रकाश दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने काफी विचार सुन लिए हैं। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ इस शुभ दिन की, इस पवित्र दिन की। और दूसरे ये मकर महीने का भी सत्संग समझ लो, उसके भी आपको शुभकामना देता हूँ। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, वो बातें मनगढ़ंत नहीं है मेरी, नहीं। संत मत की एक है हुक्म है, जब तक न देखो अपने नैना तब तक न मानो गुरु का बहना। कोई भी बात जब तक गुरु कहता है तुमने खुद नहीं देखी उसको मत कहो। तो मुझे कुछ जीवन के अच्छे वाक्य याद आते हैं जो मैंने परमदया जी महाराज के साथ गुजारे, उनका जिक्र कर रहा हूं। कुछ बातें शायद आपके काम आ जाए, क्योंकि मैं तत्व की बात करूंगा, असलियत की बात करूंगा। दादा दयाल जी महाराज को पापा फकीर जी महाराज ने 10 महीने लगातार पत्र लिखे और 10 महीने के बाद उनको जवाब आया, फकीर तुम्हारे पत्र मिलते रहे, आपके विचारों का मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, अगर तुम्हें कोई गुरेज ना हो तो आप मुझे लाहौर आकर मिल सकते हैं। मुझे सच्चाई हकीकत और शरीयत हजूर महाराज राय सतग्राम साहब की संगत में प्राप्त हुई है, मैं तुम्हें वो भेद दे सकता हूँ। ये दादा दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी महाराज को चिट्ठी लिखा और फिर वो वहां गए। ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। 1980 अगस्त का महीना महावारी सत्संग छोटे हाल में खत्म हुआ, उसके बाद गोपाल दास जी ने मुझे कहा, कमल जी महाराज जी से इस साल भी हमीरपुर का प्रोग्राम बना लो, पिछले साल भी आपके पास गए थे, इस साल भी चल तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैं तो पहले ही तैयार था महाराज जी को ले जाने के लिए, और कभी तो वो खुद ही लिख देते चूंकि मैं बेचा मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो मैं अंदर चला गया, मेरी बात को गौर से सुनते रहना। मैंने जाकर चंद्रशेर से रख दिया उनके श्री चरणों में और बेनती की कि पिताजी मैं चाहता हूँ इस साल भी आप हमीरपुर चले, संगत आपके दर्शन करना चाहती है। तो हजूर ने जो मुझे शब्द कहे वो जरूर क्या कहते हैं, कहते बच्चा तू उस पूरे शरीर को कहां तक घसीटता रहेगा। मेरे सिर पर हाथ रखा और फिर मुझे कहा तुम्हें असलियत हकीकत और सच्चाई मैंने बता दी, अब जिंदगी को खुशी से गुजारो और जो काम मिले उसको दिल लगाकर करो। क्या कहा मैं, दादा दयाल ने कहा कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, और पंडिया ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये बता दी है। वो क्या बताया वो मैं आपको बताने लगा, वो असलियत क्या है, वो हकीकत क्या है, वो सच्चाई क्या है जो हमारे जीवन को बना सकती है। 3 बातें हैं, तीनों शब्द आपस में मिले जुले लगते हैं लेकिन ये तीनों अलग अलग महत्व रखते हैं, अलग अलग चीज रखते हैं। हमारे जीवन में 3 चीजें हैं, एक है भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह वाहेगुरु, उसको न जाने कितने नामों से हम उनको याद करते हैं। वो क्या है पहले वो बताऊंगा, वो असलियत में सच्चाई में क्या है। दूसरा है हमारा जीवन हम क्या है, और तीसरा है हमारा कर्म। क्या कहा मैं, तीनों बातें बताऊंगा आपको जरा गौर से सुन रहे। अब जितनी भी दुनिया है
शक्ति के नाम पर उस शक्ति के लिए अपने स्वार्थों के लिए उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जबकि वो किसी ने ना देखी है ना वो किसी को आज तक मिला है। ये गौर से सुनना, वो मालिक, वो ईश्वर, वो परमात्मा किसी को आज तक नहीं मिला। और जो कहते हैं कि मैंने दर्शन किए, उसने अपने ही मन के दर्शन किए। कहता हमने बाबा फकीर जी महाराज को दाता दयाल जी महाराज लिखते थे, फकीरा गुरु तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। गुरु मीन मालिक, गुरु को मालिक समझा गया है। कहा ने कहा महापुरुष ने गुरु को बिंद दोनों खड़े का केला दुपाए, बलहारी गुरु अपना जन गोविंद दिए खाए। तो गुरु गोविंद बड़ा हुआ कि गुरु बड़ा हुआ? गुरु बड़ा हुआ, बात समझ रहे हो? तो महाराज कहते मैं समझता था कि मैं जब ध्यान करता हूं तो मैं दादा दयाल जी को अपने अंदर देखता हूं, तो मैं समझता था गुरु तो मेरे अंदर है। मेरी बात समझ गए ना? तो फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने मुझे बताया कि बाबा जी आप आए, समाधि में आए, जागृत में आए, आपने हमें दवाई बता दी, हमने खा ली, ठीक हो गए, हमें ये तकलीफ हुई, हमने आपको याद किया, आप आए, आपने हमारी प्रॉब्लम हल कर दी। अनेकों चिट्ठी आती थी, मैं पास बैठा होता था, जब चिट्ठी आती थी वो पढ़कर जान के दादी याद होते थे, वो पढ़ते थे फिर उसका जवाब लिखते थे। महाराज जी कहते थे मैं नहीं गया। क्या मतलब इसका? कि जो तुम्हारे सामने कोई चीज आती है, नजर आती है, किसी को स्वप्न में याद आता है, किसी को कृष्ण याद आता है, किसी को राम याद आता है, वो कहीं से नहीं आया। क्योंकि कबीर ने फैसला कर दिया, आदि संत ने कह दिया, जो दिखे सो वह नाही, जो नजर आता है वो नहीं है, जो है वो दिखे ना, जो है वो दिखे ना। अब सवाल पैदा होता कि हम फिर उसको कैसे देखें, कैसे हम लोग करें? वो सुनना ध्यान से, वो है लेकिन वो आपको कैसे मिलेगा, आप उसका कैसे अनुभव करेंगे कि वो है? बाबा फकीर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी तरह से मसाल दी और उस मसाल को जीवन में उतारा और पता किया कि ये बात ठीक है। महाराज जी फरमाया करते थे पुराने जमाने में हमारी औरतें, हमारी माताएं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाया करती थी। आजकल तो नहीं बनती ना, आजकल तो कुकर आ गए, गैस आ गई, आग कहाँ नहीं, आग है ही नहीं घरों में। तो दाल बनाती थी और सारा काम करती थी, वो चूल्हे पर या अग्नि पर रख देती थी बर्तन को और सब कुछ बीच में डाल देती थी और घंटे आधे घंटे बाद आना, चमचा लेना, चमचा लेकर दो दाने निकालने, उसको ऐसे देख लेना और बाद में मुंह में डालना, हाँ दाल बन गई एक दाने से। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसने अपने आप को जान लिया उसने मालिक को जान लिया। बात समझ गए? अगर उसको जानना चाहते हो पहले अपने आप को जानो, तो अपने आप को जानोगे कैसे? अपने आप को जानोगे कैसे? वो देह के बगैर है, उसका रूप नहीं है, उसका शरीर नहीं है, उसका नाम नहीं है, तो उसको कैसे देखा जाएगा? जब तुम वैसे बढ़ोगे तब तुम उसको देख सकोगे। कैसे? हजूर ने फरमाया कि अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो आप उस हालत में जाओ। कौन सी हालत? जब हमारा शरीर नहीं बना था, ना हमारी पांच कर्म इंद्रियां थी, ना हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां थी, ना मन था, ना चित्त था, ना बुद्ध था, ना अहंकार था, कुछ भी नहीं था। जब उस हालत में जाओगे तो हम तुम्हें ज्ञान होगा। ये बहुत ऊंची बात मैंने कही है, अब मैं और तरीके से समझा सकता हूं। ये संतों ने कहा तीन छोर चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गति जीना। तीन छोर क्या? शरीर, मन और आत्मा। जब तक हम शरीर में बैठे हैं और शरीर के एहसास हमारे साथ हैं,
मन में बैठे हैं, मन की सारी दुनिया हमारे मन में है और फिर आत्मा में चल जाते हैं, प्रकाश का आनंद लेते हैं, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? तो हमें अंग्रेजी के महाराज ने फरमाया, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, शरीर के एहसासों से आगे जाओ, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, माइंड को छोड़कर भी आगे जाओ, एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, आत्मा को से भी आगे जाओ, वहां तुम्हें उसका एहसास होगा, वो बनो, वो बनो, वो तुम क्या हो, वो तुम क्या हो, तुम सुख हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा नहीं हो, जो इन तीनों में बैठा बोल रहा है, जो इन तीनों में बैठा देख रहा है, जो इन तीनों में बैठा सुन रहा है, जो इन तीनों में बैठा जुबान पर बैठा स्वाद ले रहा है, जो हाथ से पकड़ महसूस कर रहा है, वो तुम हो। क्या कहा मैं? ये बात बहुत ऊंची है। तो क्या उसकी पूजा हो सकती है? क्या उसके लिए घंटी बजाई जा सकती है? क्या उसके लिए यात्रा करने से वो मिल जाएगा? क्या वो मंदिर की मूर्ति में बैठा है? नहीं बैठा। कहाँ बैठा है? घट में है, घट में है। संतों ने कह दिया, घट में है, सूरत नहीं। लानत ऐसी जन, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। गुरबानी क्या कहती है? गुरबानी में एक बहुत प्यारा शब्द है, अशोक ने सुनाया, काहे रे बन खोजन जाए। तू बन में कहां उसको खोजने जा रहा है? वो कहीं नहीं है। वो कहां है? वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो तुम्हारे घट में है, वो तुम हो वास्तव में। जब तक तुम उस लेवल पर बैठकर, उस लेवल पर जाकर उसकी कोशिश नहीं करोगे, बाकी सारे का सारा तुम्हारा मन का खेल है। ये बाबा जी ने मुझे समझाया, ये मेरे को समझाया, और ये मेरे को उन्होंने ज्ञान दिया। किसका ज्ञान? अपना ज्ञान, कि हुआ माए, बेटा तू कौन है, तू क्या है, कहाँ से आया है, ये बातें उन्होंने मुझे बताई। मेरी बात समझ गए? आप सत्संग में आए, संत मत में, संत मत में, गुरु मत में कोई पूजा नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई मंत्र यंत्र नहीं है, केवल नाम है, नाम। और वो जो नाम है वो किसका नाम है? वास्तव में वो तुम्हारा अपना ही नाम है, वो तुम्हारे शरीर का नाम नहीं है, तुम्हारे मन का नाम नहीं है, तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं है, तुम जो वास्तव में हो तुम्हारा वो नाम है। जब तुम उस नाम का स्मरण करते हो, तुम्हारा अपना अनुभव हो जाता है कि ओ मैं क्या हूँ, मैं तो समाज की अंश हूँ। बात मेरी समझ रहे हो? तो पहली असलियत ये पहली सच्चाई है कि ऐ इंसान, वो कबीर साहब का एक शब्द है, बिछड़े हैं जो प्यारे से, भटकते दर दर फिरते, बिछड़े हैं जो प्यारे से, भटकते दर दर फिरते, हमारा यार है हमें, हमें को इंतजारी किया। वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर दुनिया है, बाहर संसार है, बाहर सुपना है, और कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? ये पहली बात मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे समझाई और मुझे इस रास्ते पर ला कर खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बैठकर आपकी सेवा कर सकूं। क्या कहा मैंने? अब दाता दयाल जी महाराज के एक आपको पहले शब्द सुना देता हूँ, फिर मैं अगली बात कहता हूँ। दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर के बारे में बहुत शब्द लिखे हैं। उनकी एक किताब है फकीर शब्दावली। जब महाराज जी वहाँ जाते थे उनके पास एक महीना जो ठहरते तो हर रोज एक शब्द फकीर के नाम पर लिखते थे। जब महाराज जी वहाँ जाते थे तो भी एक शब्द हर रोज लिखते थे। तो उन्होंने तो पहले बता दिया, और महाराज जी का नाम जो था, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता दूँ, उनके पिताजी के घर कोई बच्चा नहीं था 12 साल तक
पंडित मस्तराम जी अनेक साधुओं की सेवा करते थे, अनेक व्रत रखते थे, अनेक पूजा पाठ करते थे कि मेरे घर में तो बच्चा आ जाए। तो 12 साल के बाद उनको एक संत मिले, उनके साथ उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज मेरे घर में कोई बच्चा नहीं। अच्छा, उन्होंने आँख बंद की और कहा, मस्तराम तेरे घर लड़का पैदा होगा, उसका नाम फकीर चंद रख लो। वो रख दिया नाम, उनके जन्म से पहले नाम रख दिया था, वो भी पहुंचे हुए संत थे। तो बाबा फकीर ने अपने उस फकीरी नाम को दाग नहीं लगने दिया, जो दादा ने हुक्म दिया उस पर वो चले। कहा, फकीर चोला छोड़ने से पहले तुम्हें अपनी शिक्षा को बदल जाए। और परमदयाल जी महाराज को हल्के 1918-19 में दाता दयाल ने सत्संग करने की आज्ञा दे दी थी कि तुम सत्संग कराओ, लेकिन महाराज जी ने कोई सत्संग नहीं कराया। 1939 में तक महाराज दाता दयाल ने चोला छोड़ा और 1942 में मधुर परमदयाल जी महाराज ब्यास डेरा गए। ब्यास में जाकर बाबा सावनवीर सिंह जी से प्रार्थना की और वो जानते थे एक दूसरे को, स्वामी जी महाराज अच्छी तरह से जानते थे परमदयाल जी महाराज को और दादा दयाल जी महाराज को। कहते थे, शिवरत लाल तो राधा स्वामी मत का वेद व्यास है, क्योंकि उन्होंने 4000 के करीब किताबें लिखी है दादा गुरु। तो महाराज जी ने बाबा सावन सिंह जी से महाराज से प्रार्थना की कि महाराज अब मेरे दादा तो शरीर में है नहीं, मैं आपके पास आया हूँ, मेरी एक समस्या है। दादा ने मुझे कहा कि सत्संग कराना है और शिक्षा को बदलना है, अब मैंने बोलना सच, मैं सच्चाई बोलूँगा, मैं कोई ऐसी बात इधर उधर की नहीं करूँगा, अपने जीवन का अनुभव बताऊँगा, लोग मेरा विरोध करेंगे। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उनको फरमाया, देख फकीर, सच्चाई मैं भी नहीं कह सका, एक तो दुनिया अधिकारी नहीं है, दूसरा मेरा डेरा है, मैं दो कारण सच्चाई नहीं बता सकता, तुम निर्भय होकर काम करो, मैं तेरे पुश्ते पनार रहूंगा। मुझे कनेडा में एक परिवार वालों ने कहा, 1942 में बाबा सावन सिंह जी ने खुद नहीं दिया सत्संग, बाबा फकीर ने वहां बैठकर सत्संग 1942 में दिया था, उसके बाद हजूर ने फिर सत्संग करना शुरू किया। तो दाता दयाल जी ने उनके बारे में एक शब्द लिखा है, पहले वो सुनो फिर मैं अगली बात कहूंगा। बोलिए, राधा संग दाता दयाल जी महाराज जी का शब्द है, फकीरा जाके खोजत फिरे साथ दूर जाके, मैं तो पता
नहीं पिछले जन्म का क्या किया हुआ था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं तो 18 साल की उम्र में गुरु की खोज में था 6 साल से, और बाबा फकीर के चरणों में मैं पहुंच गया। कैसे खींचा उन्होंने मुझे, ये एक लंबी कहानी है। अपने चरणों में ले आए और मेरे को तो सारी दुनिया भी सवार दी, दीन भी बना दिया, दुनिया भी बना दी। मेरे को तो पूछा नहीं कि विश्व से उदास हुए कि नहीं हुआ। मैंने तो उनके हाजिरी में 3 बच्चे पैदा किए, उनकी हाजिरी में सारी नौकरी की, सब कुछ किया। अरे जब गुरु मिला तो फिर किस बात की मैं बात करता हूँ। और ये भी कहा संतों ने, संतों ने कहा है कि हमारे जीवन के दो, एक घोड़ा है, हमारा जीवन एक घोड़ा है। घोड़े के दो रकाब होते हैं, एक दाया पैर एक बाया पैर, दोनों रखे जाते हैं ना। तो जिंदगी में अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि दोनों पैर कैसे रखने हैं ताकि दीन भी बना रहे और दुनिया भी बन जाए, तुम तर जाओगे। क्या कहानी है। और ये विवेक कहाँ मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, जब दीन भी मिले और दुनिया भी मिले। सुबह हजूर ने तो सीधा कह दिया, सुबह शाम राम नाम, दिन को कम रात को राम। ये भी कह दिया उन्होंने साथ साथ ही कि सुबह शाम थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, दिन को खूब काम करो जो मालिक ने तुम्हें दिया है। इसलिए वो सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है, लेकिन इनसे अलग भी तू तो सबसे है प्यारा। सुना है ना, आगे बढ़ो। तो शुरू कर लिया, मन शुरू कर लिया, आगे प्रकाश में चली गई, समाधि में चली गई।
क्या कहा मैंने, तो नाम, ये जो नाम है ना, ये जो नाम है इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। मुंह से बोला जाता है, मन से इसका स्मरण किया जा सकता है, लेकिन वो असली नाम तुम नहीं स्मरण करते, तुम्हारा स्मरण वो करता है। क्या कहा मैंने, वो है दुर्गी वाणी आई, वो ऊपर से आता है, तुम्हारे अंदर है वो, तुम्हें सतगुरु वहां पहुंचा देता है कि तुम उस नाम को सुनो, वो असली नाम है और वही जाकर हमने अपने आप को उसमें समर्पित करना है। क्या कहा मैंने, आगे तीन जाग चौथे को धारे, सो सब काया धारा, द्वंद जगत त्रिकुटी की त्रिपुटी, द्वंद जगत त्रिकुटी की त्रिपुटी, छोड़ चला घर बारा, भगीरा विचारो वैकुंठ, एक बात। दूसरी बात यह है कि
ये हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में एक ही रूल सब पर नहीं लागू होता, सब पर एक कानून लागू नहीं होता। शरीर और मन के रूप में, शरीर और मन के रूप में हम सब अलग अलग हैं। हमारे शरीर एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारे मन भी एक दूसरे से नहीं मिलते। जब तक हम शरीर में बैठकर या मन में बैठकर बात करेंगे तो हमेशा भिन्नता पैदा होगी, डिफरेंस पैदा होगी, एकता नहीं हो सकती, कभी एकता नहीं हो सकती। कितने बड़ी बड़ी डिस्कशन होती हैं, डिस्कस होते हैं, भाषण होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कभी एकता नहीं हो सकती। एकता कब होगी? जब हम शरीर और मन से ऊपर जाएं, मन से परे, शरीर से परे, तो फिर हमारे में हम प्रकाश के रूप में एक हैं और हम शब्द के रूप में भी एक है। सब में शब्द भी एक है, सब में प्रकाश भी एक है। वहाँ है मानवता का झंडा चढ़ना, मन के लेवल पर नहीं चलेगा कभी भी। क्या कहना है? अब रहा कि हमने जीवन को गुजारना है तो कैसे गुजारें? क्या पूजा पाठ से हमारा गुजारा हो जाएगा? जितना भी पूजा पाठ जंतर मंत्र है ये सब मन के लेवल का है। जो कुछ भी हम मन से करेंगे उसका वो हमारा कर्म बनेगा। मन से किया हुआ कोई भी कर्म हमारा कर्म बनेगा और हमें ही वो भोगना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? मन से ऊपर जाएंगे तो वहाँ कर्म नहीं है। क्या कहा? तो क्या करना है? हमने जिंदगी में जीने के लिए सहारा लेना है। सहारा मैं कहता हूँ किसी का लो सहारा, राम का सहारा लो, भगवान कृष्ण का सहारा लो, किसी देवी का सहारा ले लो। लेकिन अगर आप राम को समझेंगे कि अयोध्या में पैदा हुआ और उनको वनवास हुआ, फिर तुम्हारा गुजारा नहीं है, फिर तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर भगवान कृष्ण के बारे में समझोगे कि वो गोकुल में पैदा हुए, उन्होंने ये किया वो किया, फिर भी नहीं। उनको आपको परम तत्व मानना होगा, जिसको भी मानते हो उसको ऊंचा मानो, सबसे ऊंचा मानो, परम तत्व मानो, तब तुम्हें कुछ ज्ञान हो सकता है। क्योंकि राम जो राम के बारे में तो संतों ने कहा, राम तो एक है ही नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल सारा, एक राम सबसे न्यारा। तो संत जो सबसे न्यारा है उसको मानते हैं। उस घटघट में वो राम समाया, तुझ में राम, उस में राम, सब में राम समाया, वो राम सब में है, वो अयोध्या वाला नहीं है। क्या कहा मैंने? तो जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे तब हमें पता लगेगा। तो जिंदगी में एक अपना इष्ट बना लो, उस इष्ट को सबसे ऊंचा मानो, उसका कोई नाम रख लो जो बाबा फकीर ने कहा, उस नाम से उसको याद करो, वो तुम्हारी मनोकामना पूरा करता रहेगा। क्या कहा मैंने? एक तो बात है, दूसरी क्या? शिव संकल्प मस्त, हमेशा दूसरों का भला चाहो, ये कानून है। कभी भी किसी के बारे में जो भी तुम सोच वाली बात को ध्यान से सुनना। मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा अनुभव कि इस ब्रह्मांड में अनेक कुर्रे बने हुए, कुर्रे मीन स्थान, जितना इंडिया में पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल स्टेट स्टेट्स है ना, अलग अलग ऐसे ही ऊपर भी अलग अलग जगह बनी हुई है। बुरा कर्म करने वालों का एक ख्याल है, कतलेआम करने वालों का दूसरा रीजन है, पाप करने वालों का तीसरा रीजन है, और नेकी का काम करने के लिए अलग जगह बनी हुई है, सबके लिए अलग अलग स्थान है। तो जैसा जैसा कोई ख्याल करता है, चोरी करने वाला जब अपने अंदर में प्लान बनाएगा, उसके ख्याल उस केंद्र में जाएंगे जहाँ चोरी के टेक्निक बताए जाते हैं। क्या कहा मैंने? तो वहां से वह चोरी के नए नए ढंग ले लेगा वापस। तो चोरी पुलिस नहीं कर सकती कुछ भी, वो उसको नए नए ढंग वहां से मिलते हैं। झूठ बोलने वाला जो झूठ के बारे में सोचेगा उसके ख्याल वहां जाएंगे, उसको झूठ बोलने का ज्यादा तजुर्बा हो जाएगा। आप देखते हैं ना हमारे देश में कितने झूठ बोलने जाते हैं, उनकी जो चाबी है, उनकी जो सुई है वहां लगी हुई है, उनको वहां से झूठ बोलने का तरीका मिल रहा है।
जो कत्लेआम करते जानवरों को वहां उनको वहां उनका अलग इलाका बना हुआ है। इसलिए गुरु नानक साहब ने लिख दिया जपजी साहब ने, असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य कलवट कर रखा कमा, ऐसा है ना क्या नहीं? तो उन्होंने तो लिख दिया कि यहाँ असंख्य लोग हैं जो ये करते हैं, हेरा फेरी करते, चोरी करते करते हैं, उनका कर्म है, लेकिन उनका चुई सुई वहाँ लगी हुई है। हम सत्संग में आए हैं, हमने अपनी सुई उधर नहीं जाने देनी, हमने अपने दिमाग का ख्याल उधर नहीं जाने देना। हमने जब भी करना शिव संकल्प मस्त, सबसे पहले अपने परिवार का भला मांगा करो, पहले सबसे पहले। तुम बहुत बड़े यज्ञ करता हो। जो आदमी हक हलाल की कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालता है उनके लिए रोटी, वो यज्ञ नहीं करता क्या? वो जो बड़ा यज्ञ लगाते हैं वो तो अपने नाम के लिए लगाते हैं। जो बाप मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है वो सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है। कपड़े देता है वह सबसे बड़ा दानी है। अपने बच्चों को लायक बनाता है वो सबसे बड़ा बाप, सफल बाप है, सफल माँ बाप है। क्या कहा मैंने? हम कहाँ पड़े हुए हैं? हमें बताने वालों ने इन इन क्या कहूँ मैं, जो धर्म के ठेकेदार बन गए उन्होंने हमें हकीकत बताई नहीं है और हमें ठहरा दिया तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। ये नहीं बताया कि कर्म को बदलो, ये नहीं कहा कि कर्म को बदलो, हमें गलत रास्ते पर लगाया, ये करो ये करो वो करो। जो कुछ भी है इंसान तुम्हें मिलना है, अगर ये कहा गया है लिखा लाट टरे नहीं टारा, भावी को मैं चनुहारा, कर्म जो करेगा अंत में भोग न पानी, कर्म गति चारे न चली, सब संत ने कहा। तो कर्म प्रधान हुआ ना, इसलिए बाबा फकीर जी ने तो जब पिट्सबर्ग से आखिरी पत्र लिखा 1981 में, उसमें क्लियर लिख दिया, ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक कर ले। क्या कहा मैं? और बाबा जी महाराज ये भी कहा करते थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो राम राम जपता है, क्या वो वाहेगुरु वाहेगुरु करता है, क्या वो गॉड गॉड करता है, क्या लल्ला करता है? कुछ नहीं, वो हाथ मुंह में डालता कि खाने को दो कुछ, पहले खाने के लिए रोटी होनी चाहिए सबसे पहले। बाबा जी ने कहा पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ कंट्रोल करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपने आप को जानो, अपने आप को निर्भर करो। किसी पर निर्भर क्यों होना है? क्या कहा मैंने? ये जीने के तरीके हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा शरीर से भी होती है, अहिंसा मन से भी होती है। बुरा शब्द कहोगे वो तो मारने से भी ज़्यादा खतरनाक है। कड़वा वचन कलेजा बेदे वो कटारी बन जाता है। इसलिए दादा दयाल का मीठी वाणी बोलो, मुख से मंड निर्मल शुद्ध श्री। तो जीने का रास्ता क्या है? ए इंसान तेरी भूख कभी पूरी नहीं होगी, तेरी आशाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। एक आशा पूरी होगी दूसरी पैदा हो जाएगी। तू संतोष के दुनिया में चला जा, संतोष सबसे बड़ा अच्छा धन है। तू अपनी मेहनत करके खा और उस पर विश्वास रख, तुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये मेरा तजुर्बा है क्योंकि बाबा फकीर ने शिक्षा ऐसी दी जिसको मैंने अपनाया। हो सकता है 100% मैं अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी मेरे मन मेरा कभी कभी तंग मुझे कर देता है, लेकिन मुझे एक नुक्ता दे गए बाबा फकीर जी महाराज, वो मुझे बचा लेता है। क्या नुक्ता दिया वो भी बता देता हूँ, आपके भी काम आ जाएगा। एक बार मैं हजूर महाराज के दरबार में हाजिर हुआ, अकेले से, हम दोनों थे, कोई नहीं था। आपने इसे झुकाया मत्था टेका, बात बैठ गए तो हमारी भरी बात ऊँची होती थी हमारी। आपको मैं क्या बताऊँ, दुनियादारी की बात नहीं होती थी कभी भी। मैंने कहा पिताजी ये 69 की बात है, मुझे कभी ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनको मैं नहीं चाहता और मैं दुखी हो जाता। तुम्हें भी आते होंगे,
जाते तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो पिताजी कहते, बेटा तू तो नौजवान है, मुझे भी कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। ये महाराज जी ने कहा। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे मेरे चेहरे पर कुछ और असर हुआ। तुम्हारा जी ने एकदम फिर शब्द को बदला, कहते पहली बात, बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे ऊपर मालिक की बड़ी दया है कि तुम्हें ये तो महसूस हो जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं। अगर तू उसी ख्याल को बार 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 रिपीट करेगा तो कर्म कर देगा, कर्म हो जाएगा, तो कर्म तो फिर फांसी बन जाती है। तो तू बड़ा भाग्यशाली, तुम्हें याद तो हो जाता है कि ये कर्म ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बहुत तरीके से समझाया, उसको तुम जानने की कोशिश करो। मुझे कहते, बेटा सुन, अगर तू कोई पौधा लगाना चाहे तो क्या करेगा, फूल वाला या फल वाला? तो मैं कहा, पिताजी मैं तो फिर पहले खड्डा खोदूंगा, फिर क्या करेगा? मैं कहा, फिर मैं उसमें खाद भी डालूंगा, फिर क्या करेगा? फिर मैं अपने मनपसंद का पौधा उसमें लगाऊंगा, फिर क्या करेगा? एक बातचीत हमारी हो रही है गुरु और शिष्य की। मैं कहा, पिताजी फिर मैं पौधा लगाकर उसकी रक्षा भी करूंगा, और फिर क्या करेगा? मैं कहा, हर रोज मैं उसको पानी दूंगा ताकि वो बढ़ जाए, फल लगे। कहते, अगर तू उस बूटे को पानी ना दे लगाने के बाद, उसकी देखभाल ना करे तो फिर क्या होगा? मैं कहा, पिताजी वो बूटा सूख जाएगा। बस ये बात याद रख बेटा, ऐसे ऐसे विचार को पानी नहीं देना। क्या कहा मैंने, पकड़ा आपने? ऐसा विचार आएगा लेकिन उसको पानी नहीं देना, उसको दोबारा याद नहीं करना, उठ के इधर उधर हो जाना और किसी काम में लग जाना ताकि वो ख्याल खत्म हो जाए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि तूने कोई किताब नहीं पढ़नी, मन की किताब पढ़ना। तो मन की किताब जब पढ़नी शुरू, तो मैं कहाँ पहुंचा? मन की किताब खत्म हो गई, फिर कहाँ जाता है आदमी? वहां पहुंच जाता है। नाम जपने से मन नहीं खत्म होता। मन को रोकने के लिए ये किया गया है कि मन एकाग्र हो जाए, मन ठहर जाए, मन एक जगह रुक जाए, तो फिर रुकने के बाद फिर क्या करेगा? फिर वो विचार पैदा करेगा, फिर वो ख्याल पैदा करेगा। उस किताब को बंद करते जाओ, उस किताब को बंद करते जाओ, ख्यालों की किताब को बंद कर दिया, तुम्हारे अंदर प्रकाश और शब्द हो जाएगा। क्या कहा मैंने? लेकिन उसके लिए तुम्हें कुर्बानी करनी पड़ेगी। क्या? दुनिया को नहीं देखना है। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिले आपको। जब मन देखना अधिका अपना, मुझसे बुरा ना को। किसी की चुगली, निंदा, विचार, बुराई नहीं करना है। किसी की भी बुराई नहीं करना है। कोई भी बुराई करने के काबिल नहीं है। वो बुराई हमारा मन करता है, हमारा मन ही गंदा हो जाता है। इसलिए कुर्बानी में कहा गया, हमने चके बुरा नहीं कोई, कोई बुरा नहीं है। सब जब से साथ संगत को है पाई, बिसर गई सब पाप बात पराई, ना को देरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाए। सब हमारे हैं। जो मानवतन मंदिर में आ गया वो मेरा भाई है, वो मेरी माता है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बहन है। मैं तो कभी कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ। मालिक ने ऐसी दया की है, आई लव यू ऑल, मैं सबसे प्यार करता हूँ और एक इच्छा रखता हूँ कि जिस इच्छा को लेकर आए हो वो आपकी इच्छा पूरी हो। तीसरी अब अगली बात, अब रहा कर्म। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की न जसो फाचा, ये कहा है ना। तो कर्म क्या है? कर्म तीन प्रकार का है, मन, वचन और कर्म। हम मन से भी कर्म करते हैं, हम वचन से भी कर्म करते हैं, और हम हाथों से भी कर्म करते हैं, पैरों से भी कर्म करते हैं। तो सबसे पहले खतरनाक तो कौन सा कर्म है? मन का। जो मन के अंदर हम बुरे बुरे विचार पैदा करके दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, शत्रुता रखते हैं,
और हर वक्त उसी में चिंतन में रहते हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐ इंसान, तू हमेशा अपने मन का पैरा किया कर, इसमें कभी ऐसा ख्याल ना आने दे जो किसी के लिए हानिकारक हो, तेरी हानि भी होगी, क्योंकि जब वापस ख्याल आएगा वो तेरे ऊपर भी असर करेगा और जिसके बारे में तुमने सोचा उसके ऊपर भी असर करेगा। इसलिए मन का हमेशा पैरा करते रहा करो। ये मन बनता कैसे है? अब सवाल पैदा होता है कि मन बनता कैसे है, मन है क्या? ये भी नहीं कोई बताता मन क्या है। मन है कुछ भी नहीं, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। अगर तुम्हारी हक हलाल की कमाई है तो तुम्हारा मन कभी भी छलांगे नहीं लगाएगा, कभी नहीं छलांगे लगाएगा। नेक कमाई करो, लेकिन मेरे देश में तो एक लूट पड़ी हुई है, कमा लो भाई जितना मर्जी कमा लो, आज ही कमाने के दिन है, जो मर्जी कर लो, दूध में पानी मिलाओ, डालो में पत्थर डालो, जो मर्जी करो। हो रहा है सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देखो तो तुम। किसी को जितने मेरे देश में धर्म हैं उतने ही हमारा जीवन भ्रष्ट हो गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। किसी धर्म से हमने कुछ नहीं सीखा, जितने धर्म उतना हमारा जीवन भ्रष्ट हो गया है। हम पूजा भी करते, पाठ भी करते, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी हेरा फेरी करते हैं, फिर भी 420 करते हैं। क्या कहा मैंने? तो कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हारी पूजा पाठ तुम्हारी मदद करेगी? एक दिन जाना है, चार दिन की जिंदगी है, नेक रीति से करो, नेक रीति से गुजारा करो। तुम्हारी अपने जीवन में फांसी क्यों डालते हो? किसी ने नहीं जाना, तुम्हारे कर्म ने साथ जाना है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, ऐ इंसान, तू अपने मन को पहले गुरु के पास रख दे। क्या मतलब? जो गुरु ने कहा उस पर चल। क्या चल? हमेशा सबका भला मांग, सुबह उठते हुए पहले सबका भला मांग, सोने से पहले सबका भला मांग, और सबके लिए चाह कह के मालिक, सबको खाने को रोटी मिले, रहने को मकान मिले और पहनने को कपड़ा मिले, घर में सुख हो, शांति हो। जिसके घर में सुख शांति नहीं, वो नाम क्या जपेगा? नाम तो वो जपेगा जो पूरा संपन्न है, जिसको कोई चिंता नहीं है। जिसको चिंता ने घेरा हुआ, वो नाम क्या सिमरन करेगा? वो तो बैठेगा तो आजेगा ख्याल, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, वो ये है, वो आएगा कि नहीं? चुपड़ा साहब, तुम दुनिया के ख्याल में चले जाओगे। इसको पकड़ो, मन पर सवार होने की कोशिश करो। तुम तो मन तुम्हारे ऊपर सवार हुआ हुआ है। जब तक तुम मन के जीन हो तुम सुखी नहीं हो सकते। जब तुम मन के ऊपर सवार हो जाओगे, वो नाम से होगे, गुरु की कृपा से होगे, सत्संग से होगे, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सर्वनस होई। इसलिए पहली बात ये है कि अपने मन पर नियंत्रण करो, तुम्हारा मन का कर्म ठीक हो जाएगा। दूसरा है वचन। हम वचन से बहुत कुछ करते हैं। हनुमान का युद्ध क्यों हुआ? क्यों हुआ रामायण का युद्ध? दुनिया में कथा सुनते हैं, बड़ी बड़ी सात सात दिन का बाद कथा होती है, एक एक बात नहीं किसी ने समझी। अगर वो समझ लेते तो कुछ नहीं हो सकता। और वो बात क्या है कि सीता माता जी ने जब राम जी हिरण के पीछे चले गए, तो उस लक्ष्मण को जिसने सीता माता के पांव से उनको कभी देखा नहीं था, जो उनको माता समझते थे, देवी समझते थे, तो जब राम ने उधर से कहा लक्ष्मण मुझे, वो तो सलावा था, वो असलियत नहीं थी, और सीता ने कह दिया लक्ष्मण मैं समझ के तू क्यों नहीं जाता अपने भाई की मदद के लिए, तेरे मन में मेरे प्रति नियत खराब है। सीता की ताकत खत्म हो गई और रावण उठा के ले गया। क्या कहा मैंने? हम घरों में क्या बोलते हैं? मेरे को पता नहीं कितने लोगों के टेलीफोन आते हैं, मैं सुनता हूँ सुबह एक घंटा डेढ़ घंटा, जो शाम तक भी कई दफा रात को 9 बजे भी आ जाता है। महाराज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाबा जी क्या करें।
अरे तुम पता नहीं क्या क्या बोलते हो, कुछ सुनो मेरी बात। भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा वाहेगुरु किसी को भी दुख नहीं देता, वो किसी को दुख नहीं देता। तुम अपने दुख खुद पैदा करते हो, अपनी जबान से, अपनी रहनी से, अपनी करनी से। तुम घरों में कैसे शब्द बोलते हो तो अपने आप फैसला करके देख लो, कहीं सास की बहू से नहीं बनती, कहीं बहू की अपने कजन से नहीं बनती, किसी पति की अपनी पत्नी से नहीं बनती। है क्या देश में कोई घर होगा जिसमें शांति होगी? वरना तो सब जगह आग लगी हुई है, सब जगह। कोई भाग्यशाली परिवार होगा जिसके घर में प्रेम है, सुख है, शांति है? अरे अगर माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे भी तो लड़ेंगे, वो भी यही सीखेंगे, और क्या सीखेंगे। क्या कहा मैंने? अपनी जबान पर कंट्रोल करो। ऐसे ही द्रौपदी ने क्या कहा था जब उन्होंने अपना महल बनाया पांडवों ने, तो सबको बुलाया गृह प्रवेश पर, और ऐसा फर्श बनाया जो नजर नहीं आता था कि पानी है कि फर्श है। तो दुर्योधन उधर से आ गए, जैसे उसने पैर रखा पानी में गिर गया, तो द्रौपदी ने कह दिया, क्या कहा? अंधे की औलाद अंधी। कितना बुरा कहा गया, कितना बुरा कहा गया। क्या दुर्योधन इस बात को सहन कर सकता था? उसे उसी वक्त कष्ट खा लेके मैं इसका बदला लूंगा, और महाभारत हो गया। हमारे घरों में महाभारत नहीं हो रहा, देखो तो जरा, सोचो, किसी में शांति नहीं है। सफेद नमक ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे ये जो सफेद नमक तुम खाते हो, सबका ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है, कोई शांति से बात नहीं करता है। इसलिए इसको बंद करो, सेंधा नमक खाया करो, तुम्हारा मन शांत रहेगा। ये सफेद चीनी भी छोड़ो, गुड़ खाओ, पंजाब में बड़ा बढ़िया गुड़ मिलता है, उसकी चाय पियो। तुम्हारी मर्जी, पियो ना पियो, मेरा तो कहना फर्ज है। क्या कहा मैंने? नहीं बता रहा हूं, हाउ टू लिव संसार में। छोड़ो दुनिया की बात, अपने घर को संवार। अगर आप लोग अपने अपना घर संवार लेंगे तो कितनी बड़ी शांति होगी देश में, कितना बड़ा सुख होगा। तुम्हें दुनिया से क्या लेना? तुम्हारी दुनिया तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, वो तुम्हारी दुनिया है, और तुम्हारा संसार तुम्हारे अपने अंदर है। दुनिया और है, संसार और है। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन है, तुम्हारे ख्याल है, तुम्हारे विचार है, तुम्हारा चिंतन है। तुम क्या सोचते हो वही तुम्हारा संसार है। इसलिए उसको नाम की दया से, नाम का स्मरण करो। सुबह 5 जितना बैठ सकते हो बैठो, जितना तुम्हारा टाइम लगता है निकालो, अपने लिए निकालो, भाई किसी के लिए थोड़ी निकालना है। सारा टाइम दे दो बाकी सबको, घर वालों को सब कुछ टाइम दो, सेवा करो, जो कुछ करना करो, लेकिन अपने लिए भी सुबह शाम थोड़ा टाइम रख लो, वो तुम्हारे काम आएगा, बाकी किसी ने तुम्हारे काम नहीं आना। और अब रहा तीसरी बात, हम कर्म करते हैं शरीर के साथ भी कर्म करते हैं, हम पैरों के साथ भी काम करते हैं, हम आँख के साथ भी काम करते हैं। जबान से कर्म बोल दिया, द्रौपदी ने क्या कहा और सीता माता ने क्या कहा, जबान से कर्म किया ना। और अब हम बुरी आँख से, महाराज ब्रह्मदेव जी महाराज बोला करते थे, उनका वचन है कि इसी आँख से हम अपनी माता को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बेटी को देखते हैं। जब इसी आँख से किसी पराई और स्पोर्ट को देखते हैं, फिर अपने मन आँख का हाथ देखो क्या है, तुम्हारे मन पर क्या असर होता है, वहाँ तुम आँख से भी बुरा कर्म करते हो। तुम बोलते हो बुरी बातें तो भी बुरा कर्म करते हो, तुम बुरी बातें सुनते हो वो भी तुम्हारे अंतकरण को नष्ट करता है। क्या कहा मैंने? बुरी किताबें पढ़ते हो वो भी तुम्हारा मन भ्रष्ट करता है, बुरी तस्वीरें देखते हो वो भी तुम्हारा मन भ्रष्ट करता है। एक बार एक प्रोफेसर आ गए मानवता मंदिर में, लुधियाना से, बड़े हट्टे करते,
जो आगे बैठ गया, मैं तो ऐसे जाता था महाराज के पास, सत्संग के पास मैं नहीं जाता था। तो कहते महाराज जी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, प्रोफेसर हेल्दी बड़ा अच्छे। महाराज कहते तुम बड़े व्यभिचारी हो, करेक्टरलेस। वो तो गुस्से में हो गया, कहते बाबा जी क्या कह रहे हैं आप, मैं तो कभी किसी औरत की तरफ देखता भी नहीं हूँ और बच्चों के साथ मैं बड़े प्रेम से रहता हूँ। कहते ये ठीक है, तू ये बता जब पढ़ता था तब क्या करता था, तब क्या करता था। हाँ कहते बाबा जी मैं एक एल्बम बनाई हुई थी, एल्बम जाती थी फोटो होती है उसमें लड़कियों की फोटो, एक्टर एक्ट्रेस की फोटो, तो उनको देख कर सब मनोरंजन कर लिया करता है। फोटो देख कर भी मनोरंजन हो जाता है, उसने तेरा करेक्टर खराब कर दिया। क्या कहा मैंने, आँख को भी बचाओ, कान को भी बचाओ और जबान को भी बचाओ, ये तीन चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा तो अति सुखी हो जाओगे। और आखिरी बार कर्म हम हाथ से भी करते हैं। दादा दयाल का एक शब्द है, अब देर लग जाएगी मैं नहीं सुनाना चाहता, एक बज गया। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, छोटे कर्म ना करना है, छोटे कर्म ने करना, छोटे कर्म ने करना, छोटी ना बात कहना, छोटे कर्म ने करना, छोटी ना बात कहना। मारोगे अगर किसी को तो दुख पड़ेगा सहना, किसी को भी मारोगे। फिर वो कहते हैं कौन हो ख्याल कर्तव्य कौन मीन वचन, ख्याल मन कर्तव्य कर्म मन वचन कर्म, कौन हो ख्याल कर्तव्य दरिया से है पेशावा, ये दरिया से भी ज़्यादा तेज चलते हैं, तुम देखना नहीं इनकी लहरों में बह के रहना। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना हर वक्त तुम, जब्त मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम हरदम, जाबत बने रहोगे खुशहाल होके जीना। और अंत में कहा अपनी निशस्त रखना अपना ख्याल, आत्मा पे हरदम तुम कौन हो, हुआ माई मैं कौन हूँ, ये सवाल अपने आप से किया करो, तुम्हें अंदर ही अपने आप जवाब मिलेगा। अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप बनकर संसार में विचरना, संसार में खुशी से जीवन गुजारना। क्या कहा मैं, दुख सारा शरीर और मन का है और क्या, उसके बाद आत्मा का क्या ज्ञान है। तीन तो दुख है, एक शरीर का दुख, एक मन की कल्पना और तीसरा आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान को दूर किया जा रहा है आपके जहाँ। और ये एक कथा है बहुत प्यारी कथा है, एक किसाई हुए सदना किसाई, सदना किसाई जो थे वो राजा के बुचड़ थे, राजा को बकरे काट के देते थे। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए कि जो करेंगे वो ही बनेंगे। तो वो हर रोज 5-7 बकरे करते थे, राजे लोग थे, उनको क्या पता इन बातों का क्या होती है। तो एक दिन खत्म हो गया, रात हो गई, सोने का टाइम आ गया, तो पड़ोसी राजा आ गया, 4-5 साथी उसके। तो रात को आए, कहते भी हम देर हो गई शिकार के लिए निकले थे, शिकार में लड़े चलो क्या, हम आपके पास ही रात करते हैं, हमें भोजन तो खाएंगे, भोजन तो खाएंगे। अब उनका तो भोजन तामसिक राक्षस, आप समझ गए, उनको क्या पता क्या होता है साथ में भोजन। तो संदेशा भेज दिया सतना किसाई को कि 5 आदमी आए हैं, राजा आए हैं, तो 5 आदमियों के लिए आप मांस काट के भेजो। अब उसको हुक्म की तामील करनी है, उसने अपना वो शस्त्र उठाया और बाड़े में चला गया, बाड़ा जैसे उसने बकरे बांधे हुए थे। और उसने सोचा अब अगर बकरा पूरा काट देता हूँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्होंने तो 5 किलो लेना है या 7 किलो लेना है, मेरा तो 20 किलो खराब हो जाएगा, उसके तो पैसे मुझे मिल जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सोचा चलो ऐसा करता हूँ, एक टांग काट लेता हूँ, एक टांग से राजे का काम हो जाएगा,
इसको मैं सुबह काट दूंगा, मेरी बात समझिए ना, ये पड़ा रहेगा सुबह मार, ये सच्ची कथा है। उसने जब टांग पकड़ी, कथा ये कहती, संतों का वचन ये कहता है कि बकरा हंसा, बकरा हंसा और सन्ना पीछे हट गए। कहते जी क्या, कहता उसने सतना कसाई काट ले कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ना जाने कितने समय से तू मेरा सिर काट रहा है और मैं तेरा काट रहा हूँ, ये हमारा लेना देना है, और याद रख मेरी भी टर्न आ जानी है, मैं भी तेरी टांग काटूंगा। उसी वक्त उसने तलवार फेंक दी और राजा को कह दिया मैंने तेरे बकरे नहीं काटे, और उसने सारे बकरे छोड़ दिए। क्या कहा, क्या कहने लगा? आज मैंने सुना है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ कौन सी देवी है, कौन माता देवी है जो कहेगी कि बकरा लाकर काटो मेरे सामने। क्या कहा मैंने, हमें बेवकूफ बनाया गया है, मंदिरों में बकरे काटे जाते हैं देवियों को खुश करने के लिए, देवियों को खुश नहीं किया जाता, अपने आप के लिए कुछ करते हैं, बड़े बड़े पेट बढ़ाए हुए हैं। बड़े अफसोस की बात मैं बताता हूँ आपको, मेरे देश में मंदिरों में लड़कियों को चढ़ाया जाता था और उनको देव कन्या मानते थे वो लोग, और उनको अपने घरों में रखते थे, रिखैल बनाकर रखते थे ये लोग धर्म के ठेकेदार। और आज के ऐसे मंदिर हैं, हमारी माताओं को उन मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं है। मैं पूछता हूँ कौन सा देवता है जो माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, कौन सा देवता है जो माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ और उसी माँ को ठुकराया जाता है। ऐ देवियों, ऐ मेरी माता, ऐ मेरी बहन, तुम लक्ष्मी हो, घर को बनाने वाली तुम हो लक्ष्मी, तुम सरस्वती हो, तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली हो, तुम बच्चों को अच्छा संस्कार देने वाली हो, और तुम दुर्गा भी हो, जब घर पर कोई मुसीबत आ जाए तो औरत ही पति का सहारा बनती है, वो औरत आदमी अगर थोड़ा सा परेशान हो जाए तो कहते क्या चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता किस बात की। क्या कहा मैंने, तुम अपने आप को मत भूलो, इंडिपेंडेंट है मेरा देश, मत भागो, किसी साधु के पांव को हाथ मत लगाओ, तुम्हें क्या पता वो कैसा है कैसा नहीं है, कोई संत नहीं है यहाँ जिसके पांव को हाथ लगाना चाहिए, लगाना ही नहीं चाहिए। राधा स्वामी कहो, राम राम कहो, हरे कृष्ण कहो, पैर को क्यों छूना है, किस लिए छूना, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ लगाने से तुम्हारी रेडिएशन हमारे ऊपर असर करती है, मेरी रेडिएशन तुम्हारे ऊपर असर करती है, जो मैं अंदर से हूँ वो तुम्हारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसलिए ऐ इंसान, तू अपने आप को जान, तू क्या है, तू पूर्ण है, तू मालिक के अंश है, तू मालिक का प्यारा है, लेकिन तू उसका प्यारा नहीं बनता, तू मन का प्यारा बना बैठा है। जिस दिन तू उसका प्यारा हो गया, किस लेवल पर, सुर के लेवल पर, शीर के लेवल पर तुम नहीं हो सकते, मन के लेवल पर नहीं हो सकते, उस लेवल पर जिसको सुर कहते हैं, जहाँ ना मन है न शीर है न आत्मा है, तुम्हारी संभाल कुदरत अपने आप करेगी। क्या कहा मैंने आप, वहां तुम्हारी सुरता अपने आप सड़क मालिक करेगा, तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा है, मान लो कि वो है, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ वो है जो तुम्हारा सहारा है, सिर्फ वो है जो तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ मालिक है, सिर्फ वो है जो तुम्हारी जिंदगी को सवार कर तुम्हें अपनी गोदी में ले सकता है, बाकी कोई गोदी में नहीं लेगा। इसलिए कबीर ने तो शब्द में लिख दिया, एक शब्द लिखा, अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, वो बालक जिसको किसी ने नहीं बनाया उसकी सेवा कोई नहीं करता, घड़े देव को सब कोई पूजे मूर्ति लाए सेवा, मूर्ति बना के रखी हुई है उसको तो सब पूछते हैं, सुबह भी शाम कर पानी देते हैं, नहलाते हैं, दूध भी रखते हैं उसके आगे, फल भी रखते हैं, जैसे उसने खाने, उसने कुछ नहीं खाना, वो तो भावना का भुक्का है।
और भावना तुम्हारे अंदर है और वो भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए आज जो तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये मेरे सतगुरु का ज्ञान है जो मैंने आपको बताया, जिंदगी के जीने का राज भी आपको बता दिया और जिंदगी से वापस उस घर जाने का राज भी आपको बता दिया। घर हम तभी पहुंचेंगे जब हम शरीर मन और आत्मा से ऊपर पहुंचेंगे, और वो पहुंचना कैसे है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु ने भूखा तेरे धन का, गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। जो धन के भूखे हैं आप लोग यहाँ पैसे देते हैं वो अंदर के हैं, मेरे नहीं, मंदिर आप लोग आए लंगर का इंतजाम आपके लिए, बिजली का इंतजाम आपके लिए, ठहरने के लिए, वो तुम्हारे पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च होता है, किसी के जेब में नहीं जाता। क्या कहा मैंने, तो गुरु के पास धन नाम रत्न का, बस तेरा उपकार करा रहे भूखे लगे को दलवा रहे वो सेवा में लगाता है, समझ गया मेरी बात। यहाँ डेरे बड़े बड़ी बिल्डिंग में मेरे सज्जन मुझे मिले, इंग्लैंड में गया अभी जून में, तो मेरे साथ बात बैठ कर कहे पिताजी मेरे गुरु महाराज के पास मैं बैठा था, कोई उनको अपनी होगा, कहते मेरे बैठे बैठे उन्होंने इंग्लैंड कनेडा में टेलीफोन किया नाम लेकर, वो बेटा वो डेरे में दो कमरे बनाने बेटा पैसे भेज, गुरु कहता है बेटा डेरे में पैसे दो कमरे बनाने पैसे भेज, कहते मेरा दिल ही टूट गया, अपने गुरु से विश्वास ही उठ गया, कहते मेरा गुरु तो डेरे में फंसा हुआ है मेरे को कहाँ निकालेगा, मेरी बात समझ गए। तो जो खुद बंधन में है वो क्या करेंगे, बाबा फकीर आजाद थे निर्बंध थे, मुझे भी निर्बंध बना कर गए हैं, आपकी सेवा में अटता हूँ और वापस चला जाता हूँ। क्या कहा मैंने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तुम हंसते खेलते आओ और हंसते खेलते जाओ, खाली जेबें लेकर आओ भरी जेबें भरकर लेकर जाओ, तुम्हें मालिक मेरा तंदुरुस्ती दे, शरीर की तंदुरुस्ती पहले, घरों में शांति दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपको धन इतना दे कि तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें धन मिले, तुम्हें तंदुरुस्ती मिले, तुम्हें घरों में शांति मिले और तुम्हें नाम का स्मरण करने का ढंग मिल जाए, यही मेरी शुभकामना है आज के दिन। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, टाइम काफ़ी हो गया, आप लोगों ने खाना भी खाना है, मैंने प्रसाद भी देना है, आप सुखी रहो, जिस भी शिक्षा को लेकर आए हो, जिस भी कामना को लेकर आए हो, याद रखो, विश्वास कर लो, तुम्हारा उस कामना को मेरे बाबा फकीर जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सर्वेश्वर की बंद आरती बोले दो, सर्वेश्वर की बंद राधा स्वामी राधा।